धरती एक बड़े संकट में है। आर्कटिक में मौजूद सबसे पुराना और सबसे स्थिर आइसबर्ग बेहद तेजी से पिघल रहा है। इसी के चलते 130 देशों के करीब 11,000 वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आर्कटिक के जिस हिस्से की बात कर रहे हैं उसे द लास्ट आइस एरिया कहा जाता है। दुनिया का ये सबसे पुराना और स्थिर बर्फ वाला इलाका है, लेकिन अब ये बेहद तेजी से पिघल रहा है। बर्फ के इस इलाके में साल 2016 में 41,43,980 वर्ग किलोमीटर थी, जो अब घटकर 9.99 लाख वर्ग किलोमीटर ही बची है। अगर ये इसी रफ्तार के साथ पिघलता रहा तो साल 2030 तक यहाँ से बर्फ पिघलकर खत्म हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वैज्ञानिक कैंट मूर ने बताया कि 1970 के बाद से अब तक आर्कटिक में करीब 5 फीट बर्फ पिघल चुकी है, यानी हर 10 साल में करीब 1.30 फीट बर्फ पिघल रही है। ऐसे में समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो ग्रीनलैंड और कनाडा के कई इलाकों में मौसम बदल जाएगा, वहाँ गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। सिर्फ ग्रीनलैंड और कनाडा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।